अनबॉक्सिंग की इस वीडियो को किसी तरीके से आप सफर कर लीजिए, क्योंकि मैं अगली वीडियो में इस एपी कैमरा का तोड़ फोड़ मरोड़ करके आपको दिखाऊंगा कि आखिरकार इस छोटे से एपी कैमरे में होता क्या है जिसकी वजह से ये इतने सस्ते और इतने पॉपुलर हो चुके हैं। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं आमिर शोरा, आप देख रहे हैं आमिर टेक्सूल। तो फिलहाल दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मैं आज एक आईपी कैमरा के बारे में बताने वाला हूं, तो मैं कोई अनबॉक्स थेरेपी या फिर अनबॉक्सिंग और रिव्यूज जैसे कोई चैनल तो मेरा है नहीं कि मैं इन सभी के बारे में थोड़ा बहुत जानकार हूं, बिल्कुल भी नहीं यार। मुझे जो आता है मैं वही कर पाता हूं। तो और वीडियोज़ में आपने चक्कू चूरी तलवार या फिर किसी ब्लेड का इस्तेमाल करते देखा होगा अनबॉक्सिंग में, लेकिन आज पहली बार शायद आप मेरी वीडियो में कुछ अलग देखेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को, जो कि सर्किट बोर्ड पर बिल्कुल भी नहीं है, और अनबॉक्स कर लेते हैं अपने आईपी कैमरा को, जो कि हमारे और आपके लिए सच में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत ज़्यादा सस्ता भी है। तो प्राइस की बात तो हम लोग वीडियो के लास्ट में करेंगे, आप वीडियो के लास्ट में देख लीजिएगा कि इसका प्राइसिंग क्या है। तो बिना समय गवाए हम लोग चलिए फिर अनबॉक्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इस बॉक्स की सूरत को कि ये कैसा दिखता है। तो फिलहाल आपको यहाँ पर जो स्पेसिफिकेशन मिल रही है वो है, ब्रांड है डिगो। इसका जो रेजोल्यूशन है वो 720p प्लस है, यानी 720p से भी ज़्यादा जा सकता है। इसमें 1/4 का CMOS सेंसर लगा हुआ है, 2.1mm का जो है लेंस है, और कैमरे का एंगल जैसा कि आप देख सकते हैं कि 110 डिग्री है, और ये पावर जो है ये लेता है 5V का 1A एडाप्टर, या फिर आप कोई चार्जर भी इस्तेमाल कर सकते हैं मोबाइल का या फिर कोई पावर बैंक। और इसको पूरी तरह से ऑपरेट करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक एंड्रॉयड ऐप की या फिर iOS ऐप की, तो वो है डिगो क्लाउड। इसके साथ ही आपको यहाँ पर मिल जाता है एकदम सस्ता सा 2 रुपये वाला टेप, जिसको मैंने खुद चिपकाया हुआ है, और मैं इसे अब ओपन करूँगा अपने इस सोल्डरिंग आयरन की मदद से, ताकि मेरी वीडियो की जो मर्यादा है वो बरकरार रहे। तो टेप हो गया है कट, और अब इसे कर लेते हैं ओपन। तो ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको देखने को मिलता है ढेर सारा फोम, जो कि ढेर सारा नहीं है लेकिन हम बोल सकते हैं ढेर सारा फोम। यहाँ पर आपको मिलता है छोटा सा यूज़र मैनुअल, और ये यहाँ पर कहते हैं कि हम बहुत ही इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, तो हम पैसा बचाने के लिए और इन्वायरमेंट को बचाने के लिए आप हमारे इस QR कोड को स्कैन करिए, ताकि आप हमारे एक्स्ट्रा जो इंस्ट्रक्शन है वो आप डायरेक्ट वेबसाइट पर पढ़ सकें। तो ऐसे साइड में फेंक देते हैं इस तरीके से, और आ जाते हैं अंदर। तो सबसे पहले मैं पूरा फॉर्म ही निकाल लूँ, क्या पता कुछ और भी मिल जाए अंदर। तो बॉक्स हो चुका है खाली, साइड में कर लेते हैं इसे भाई। और ये फोम जो कि आप देख रहे हैं, ट्रायंगुलर शेप या स्क्वायर शेप, पता नहीं कौन सा शेप है ये। तो दोस्तों अब आ जाते हैं इसकी बॉडी पर। तो बॉडी में साइड में आपको यहाँ पर मिलता है मेमोरी कार्ड का स्लॉट, यहाँ पर आपको मिलता है पावर इन करने के लिए चार्जिंग पोर्ट, माइक, और साथ ही साथ थोड़ा और सरकाइए तो मिल जाता है डिगो की ब्रांडिंग। तो ब्रांडिंग को साइड में करते हुए हम लोग आ जाते हैं पीछे की ओर। तो पीछे मिलता है आपको एक रीसेट बटन, जो कि अंदर छुपा हुआ है, आप उसे देख नहीं सकते, मैं उसे देख नहीं सकता, सिर्फ महसूस कर सकते हैं किसी सुई की मदद से। साथ ही साथ आपको यहाँ पर मिल जाता है एक स्पीकर, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है भाई, क्योंकि अगर आप चाहें तो कहीं दूर विदेश दुनिया किसी कोने में भी रह करके आप यहाँ पर ऑडियो भेज सकते हैं। यानी आपने इसे जिस जगह पर भी टांगा हुआ है या रखा हुआ है, उस जगह पर आप ऑडियो भेज सकते हैं, यानी कि कैमरे के सामने खड़े इंसान के साथ आप बात भी कर सकते हैं। यहाँ हम इस कैमरे को पावर देने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं अपना ये ढांसू सा MI का एक पावर बैंक, जिसकी MH आप देख सकते हैं, आपके शायद होश उड़ जाएं, मेरे तो उड़ गए थे रेलवे स्टेशन पर। इसके बाद हमें इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल में डिगो क्लाउड ऐप को, जो कि यहाँ पर है। तो इंस्टॉल्ड ये ऑलरेडी है, मुझे केवल यहाँ से इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको इस कैमरे को ऑपरेट करने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से साइन अप करना होगा। तो आप चाहें तो अलग से ब्राउज़र पे जा कर के साइन अप कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहीं पर इसके ऐप में ही इसे साइन अप कर सकते हैं। तो मैंने इसे साइन अप किया हुआ है, मैं यहाँ पर लॉगिन ID और पासवर्ड डाल देता हूँ। और जैसे ही आप यहां पर लॉगिन कर जाते हैं, आपको यहां पर कैमरे को ऐड कराना होगा। आप चाहें तो इसे इसके QR को स्कैन करके भी आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसे चलिए एक बार कनेक्ट कर लेता हूं। तो कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको डालना होगा अपने वाईफाई का पासवर्ड, और इसके बाद आपको इस कैमरे को इसकी स्क्रीन के ऊपर 10 से 20 सेंटीमीटर के ऊपर पर रखना होगा। और अभी दोस्तों आपको यहाँ पर बोला गया था कि 10 से 20 सेंटीमीटर की दूरी से आपको इस कैमरे से, यानी इस IP कैमरे से इस QR कोड को स्कैन करना होगा। तो चलिए मैं स्कैन कर लेता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आपने अभी अभी सुना कि आपको यहाँ पर बीप की एक आवाज़ आई, तो बीप की आवाज़ के बाद हमें यहाँ पर इसे कनेक्ट करना है।
तो मैं अभी से यहाँ पर हियर बीप बजिंग में कनेक्ट कर, तो अभी ये तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आईपी कैमरा का जो स्पीकर है वो वर्क कर रहा है और अपनी सारी इन्फॉर्मेशन बता रहा है। और अभी आप यहां पर देख सकते हैं कि अब मेरा जो कैमरा है वो वाईफाई से कनेक्ट हो चुका है। तो अभी आप जो देख रहे हैं वो मुझे देख रहे हैं, तो चलिए फिर इस कैमरा को ऑन कर लेते हैं। दोस्तों दोनों फ़ोन यानी कैमरा और ये जो फ़ोन है दोनों आसपास होने की वजह से ये जो वीडियो और ऑडियो में जो फ्लक्चुएशन हो रही है उसको आप थोड़ा सा डिस्टर्बेंस समझ लीजिए। ऑन करते ही जैसे ही मैं इस कैमरे के सामने कोई हिलती डुलती चीज़ लेकर के आऊँगा इसमें से सायरन की आवाज़ आएगी। तो चलिए फिर इसे ऑन करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि कैमरे के सामने जैसे ही कोई हिलती डुलती, मैं इसे ऑफ़ कर देता हूँ यार। दोस्तों ये डिपेंड करता है आपके वाईफाई जो है कितनी दूरी पर है, यानी मेरा जो वाईफाई है, मैं अभी सेकंड फ्लोर पर हूँ और मेरा जो वाईफाई जो कनेक्शन है वो नीचे है, तो थोड़ा बहुत ये जो फ्लक्चुएशन आपको वीडियो में दिख रहा है ये आपको देखने को मिलेगा। और आप देख लेते हैं इसके नाइट विज़न ऑप्शन को कि रात में ये कैसा काम करता है। तो दोस्तों जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं कि इसका जो IR LEDs हैं वो एक्टिवेट हो चुकी हैं और मैं अभी अपने फेस को दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं कि पूरे कमरे में अंधेरा होने के बावजूद भी ये काफ़ी अच्छी वीडियो कैप्चर कर सकता है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो भाई यार प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय। Bye-bye.